दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक लोकप्रिय यूपीएससी टॉपर नागार्जुन गोड़ा के लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मजबूत इरादे और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यह कहावत नागार्जुन गोड़ा के संघर्ष पर एकदम सही बैठती है। गोड़ा ने पहले मेहनत करके पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। उसके बाद डॉक्टरी करने लगे। यहाँ से उनके मन में UPSC ज्वाइन करने का ख्याल आया। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और 2018 में UPSC का एग्जाम दिया तो AIR 418 रैंक मिली। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइफस्टाइल। इस वीडियो से आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और यह वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट कर देगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें, I am फैन ऑफ नागार्जुन गोड़ा। दोस्तों, इनका रियल नाम है नागार्जुन गोड़ा। प्रोफेशन से वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। नागार्जुन गोड़ा का जन्म कर्नाटक के गांव में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने MBBS का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, जिसके बाद उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया। MBBS पूरी करने के बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल में नौकरी की। इसी दौरान उन्होंने UPSC में जाने का फैसला किया, लेकिन घर में कमाने वाला कोई और नहीं था, इसलिए उन्होंने नौकरी के साथ साथ तैयारी की। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी हाइट है 5 फीट 7 इंच, वेट है 68 किलोग्राम, इनकी आँखों का रंग काला है, बालों का रंग काला है। नेशनैलिटी से यह एक इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं। आइए जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। उनका पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए शुरुआती दौर में ही उन्होंने सरकारी अफसर बनने का मन बना लिया। अपने गृहनगर में उन्होंने एक सामुदायिक निजी स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। तमाम जद्दोजहद के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की और अपने प्रयासों के कारण उन्होंने IAS परीक्षा पास की और एक प्रमुख IAS अधिकारी बन गए। उनकी यह कहानी आपको काफ़ी मोटिवेट कर देगी। अब इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन गोड़ा ने सृष्टि जैन देशमुख में हाल ही में सगाई की, जो एक IAS अधिकारी भी हैं। यह खबर इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा था। उन्होंने 2 अगस्त 2021 को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर IAS सृष्टि जैन देशमुख के साथ अपनी सगाई की खबर का खुलासा किया। वह पूरे सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गए। सृष्टि ने अपनी सगाई की खबर भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। शादी के बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर में तैनात कर दिया गया। इस कपल ने फिलहाल अपनी शादों की खबरें ऐलान किया है। जल्द ही वे अपनी शादी की तारीख की भी घोषणा कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। जैसे ही वे अपनी शादी की खबरों में कुछ घोषणा करेंगे, हम यहां अपडेट करेंगे। इसके लिए चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। अर्जुन गोड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृहनगर के एक स्थानीय निजी स्कूल से की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और एम्स में प्रवेश लिया। फिर वर्ष 2016 में उन्होंने MBBS की डिग्री पूरी की। उनका मुख्य ध्यान IAS परीक्षा पर था। उन्होंने IAS परीक्षा को पास करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। अपने निरंतर कड़ी मेहनत और शानदार दिमाग के कारण आज डॉक्टर नागार्जुन बी गोड़ा ने ना केवल एक IAS हैं, बल्कि एक डॉक्टर, सोशल मीडिया में प्रभावशाली और एक प्रमुख उद्यमी भी है। वर्तमान में अर्जुन गोड़ा IAS मध्य प्रदेश कैडर में कार्यरत है। वह अपना काम ईमानदारी से करते हैं। नागार्जुन का मानना है कि अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो संसाधनों का रोना ना रोए और जैसे भी संभव हो अपनी तैयारी करते रहें। नौकरी के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं और बिना कोचिंग के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और धैर्य के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से यह सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी नागार्जुन गोड़ा सर की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको उनकी कहानी में थोड़ा भी मोटिवेशन मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।